ऐसे ही लाइन मार रही है, बची रही हो आज कतई भैया, पहचान ना मिले, जहर लग रही है, जहर जहर लग रही है, जहर हम ऐसे ही करेंगे। तुम आई क्यों नहीं, तू ना आए, ना आए, बहुत गुस्सा हूँ तेर से। हाँ नहीं तो अच्छी है, तो ना बोलो इंटर जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, चित्रा चित्र ड्यूटी, मम्मी आ जा चित्रा इधर आ, आलो गए तो नहन गए हैं। तो चित्रा आज हमारी बहन गुस्सा हो गई थोड़ा, मतलब हमसे गुस्सा नहीं हो गई, खुद से। वो बच्चा इतना परेशान कर रहा था, वो कुछ बतना है। तो ये चित्रा ये आई नहीं, माता पूजन सब कुछ हो गया, बच्चा ने इतना परेशान करा, इतना रो रो बना, अच्छे लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भैया जा रहा है, मतलब चौक पे बैठने के लिए, चौक पूरा जाता है और आज भैया के तेल चढ़ेगा, मतलब तेल का बुलावा लगाए, और 3-4 दिन का ये कुछ रहता है। तो इस तरीके से हाथों में गेहूं लेके जाया जाता है। और आप लोगों ने देखा था कि जब भैया की इंगेजमेंट हो रही थी तो रुमाल नहीं रखा था, तो इस बार ना हम लोगों को याद रहा कि भैया सिर पर रुमाल रख लेना, पता नहीं क्या याद नहीं रहा। और फिर आजकल ना ये थोड़ा सा वो सिस्टम हो गया ना, इससे पता नहीं क्या, बाद में मैंने बोला भी था, मैंने कहा भाई आपने रुमाल नहीं रखा था सिर पे, तो ये कह रहा था कि वो मैंने जानबूझ के नहीं रखा, मेरे बाल ख़राब हो जाते, तो हमने कहा अभी तो रखो। पर फिलहाल तो यहाँ पर भैया बैठ गया है चौक पर, और जितनी ये रहती हैं सात सुहागने, ये मतलब हल्दी डेली ऐसे छुआ छुआ के चढ़ाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, और फिर तेल भी साथ में रहता है। तो हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि तेल चढ़ाया जाता है, फिर लास्ट वाला जो दिन होता है ना, जिस दिन बारात जाती है उस दिन इसको उतारा जाता है, हल्दी भी और तेल भी इस तरीके से। तो बस, और आज यहाँ पर बुआ लोग रहती हैं, तो वो रेड रेड मतलब बिंदी बिंदी लगा के सिंदूर से, वो क्या बोलते हैं लला इसको, क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं वो चेहरे पे, हाँ वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो कुछ बनाते हैं चेहरे पर, बुआ काम मतलब बुआ करती हैं। और इस तरीके से तेल जब चढ़ता है ना दूरबा से, तो मम्मी पीछे बैठती है इस तरीके से हाथ रख के, और साथ में एक कन्या बैठती है। तो यहाँ पर पंडित जी आए थे, उनने बढ़िया विधिवत तरीके से सारी चीज़ें करवा दी। फिर यहाँ पर और भाभी भी आएंगी अभी, जो कि डेली भैया के काजल लगाएंगी। भाभी खूब लगा दी जाके, खूब बोत दी।
लगा दो तुम, लगा दो कुछ तू तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं भाभी की मजाक मस्ती चल रही है। और भाभी से मैंने कहा है कि खूब सारा काजल लगा देना, ये भी एक बहुत बड़ी रस्म होती है कि भाभी लगाती हैं काजल। और चित्रा सबके लिए जो भी लेडीज़ आएँ सबको चाय नाश्ता करवा रही है, क्योंकि जितनी लेडीज़ें होती हैं ना सब 11-12 बजे तक, मतलब 11 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि व्रत करके ही ये तेल वगैरह चढ़ाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है। तो भाई हमारे यहाँ पर आ गए हैं बहन भाई साहब, बहन भाई क्या क्या के जमाई साहब, परचू है तो परचू गीता नहीं आई है ना, मैंने तो कहा था उससे चलो नहीं, हाँ इतनी याद आ रही थी अभी तो कहा अभी बरेली जाओगे नहीं, इतना जमाई साहब ना कुछ सीधे वकील साहब बस। तो फ्रेंड्स ये अगले वाले दिन का व्लॉग है, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी मैंने चाची के घर आई हुई थी, यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा था, धूप में लेटी हुई थी और कपड़े भी सूख रहे हैं, तो इन कपड़ों की भी रक्षा करनी पड़ती है, मतलब ध्यान देना पड़ता है। चाचा क्या क्या आंगन खुला हुआ है ना, तो पूरा यहाँ पर बंदर आते ही रहते हैं, चारों तरफ घूमते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा कपड़ों को ध्यान देना होता है। तो मैं फिर यहीं बैठ गई थी। और कैसे हो आप सब लोग, कमेंट में बताते हो आप लोग, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं आप सभी लोगों के। और कल है हल्दी का और मेहंदी का फंक्शन, कल गीता भी आ जाएगी। गीता वैसे आ जाती पर फिर वो लास्ट में नहीं रह पाती, मतलब भाभी को भी ले जान मतलब विदा करवाने जाती हैं बहनें वगैरह, तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे घर के लिए निकलना होगा, तो मैं नहीं यहाँ रुक पाऊँगी, तो गीता रुकेगी, इसलिए वो थोड़ा सा लेट आ रही है। मैं पहले से आ गई, कुछ आ गया एक तो फ्रेंड, अच्छा तो बुआ भी आ गई यहाँ पर, तो बुआ अपनी चूड़ी वगैरह खरीद के लाई है, कहाँ गई थी, चेंज करके लाए, चेंज करके कौन लाया था पहले, कौन, अरे चुप रहो ना गुलशन, बहुत बोलते हो, हाँ अच्छी लग रही है, देखो ये चूड़ियाँ लाई है बुआ, हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं, कांच की चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं। गुलशन का तो छोटे बच्चों से ही प्रॉब्लम है, पहले उसे लड़ लेता जी, हर एक से लड़ लेता, देखो हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी वीडियो में कमेंट करेंगे, फिर दे देना हमें कमेंट, हम और हमारे चाहने वाले इतने यूट्यूब फैमिली है कि वो ही तुम्हें रिप्लाई कर देंगे उसमें, हाँ तुम करो हमें हेट कमेंट, आप लोग देख लेना मिलन मिश्रा से आएगा, हाँ ये भी अच्छी लग, गुलशन मिश्रा से, वाओ अच्छी लग रही, इस कलर की है बुआ की, अरे क्यों पीछे पड़े रहते हो, फर्श ठंडा है तो चप्पल तो पहनेंगे ही ना। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं भाई उधर वाले घर में, आलोक हमारे पास, मेरा भैया बैठा हुआ है छोटा, अलका दीदी को बुला लाओ ना, बुआ रखे हो जाके, नहीं तो कांच की है नीचे गिर जाएंगी तो मर जाएंगी, तुम ले लो आपको चाहिए तो, हमें नहीं चाहिए एक तो ले लो गौरी, मैं तुम्हें दान कर रही हूँ तुम तो दान करोगे, चलो जाओ जा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो ये वाला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल जाऊंगी मैं गीता के यहाँ पर, तो वो वाला भी ब्लॉग आप देखना, अब और अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, अरे भैया चुप जा, और दामाद जी भी आने वाले हैं, तो बस वो वाला ब्लॉग भी आप लोग देखना, आप डेली आएंगे। कल थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो तबीयत ऐसी ही चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ आके ठंड लग गई मुझे, तो जिससे मैं बीमार हो गई। और बोल दो आलोक सबको कि मौसी की वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, मौसी की वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, हाँ बाय बाय।